सूर्य ग्रहण पर दिल्ली मुंबई समेत देश के कई इलाकों में अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान में सूर्य चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। हालांकि कई जगहों पर आसमान में बादल छाने की वजह से रिंग ऑफ फायर नहीं देखने को मिल पाया। ग्रहण के बाद हरिद्वार के हर की पैड़ी में लोगों ने पूजा पाठ करके गंगा में डुबकी लगाई। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील में लोगों ने स्नान किया। वहीं कुल्लू में लोगों ने शंख बजाया। योगा एट होम विद फैमिली की थीम पर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये दिन एकजुटता का दिन है, ये विश्व बंधुत्व के संदेश का दिन है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री ने रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों की माने तो सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी स्वतंत्रता दी गई है। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी वास्तव में सरेंडर मोदी हैं। उन्होंने जापान टाइम्स के एक लेख का हवाला देते हुए दावा किया कि भारत की तुष्टीकरण की नीति चीन को भारत के प्रति आक्रामक रुख अपनाने से रोकने में विफल रही है। केंद्र सरकार ने निजी विमानन कंपनियों को वंदे भारत मिशन के तहत 750 उड़ानों की अनुमति दी है। इनमें से 40 उड़ानों की घोषणा की गई है। इसके अलावा विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सरकार किराए में बदलाव पर भी विचार कर रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,413 नए मामले सामने आए हैं और 306 लोगों की मौत हो गई है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 410,461 हो गई है, जिनमें 169,451 सक्रिय मामले हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। मुठभेड़ को लेकर कोई अफवाह न फैलाए, इसके मद्देनजर इलाके में इंटरनेट सेवा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। तेल विपणन कंपनियों ने रविवार को लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। रविवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे और डीजल की कीमत 60 पैसे बढ़ा दी गई है। और महाराष्ट्र के मुंबई और इसके उपनगरों में भारी बारिश के साथ मौसम विभाग ने बुधवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और अधिकारियों से किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार रहने को कहा है। मूसलाधार बारिश के कारण सुबह से ही रेल सेवाओं पर असर पड़ा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहण मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।